अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है बिलाल खालिद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिलाल खालिद ऑफिशियल। आज मैं आपके लिए ले के आया हूँ चार मरले का एक ब्रांड न्यू बेहतरीन घर न्यू चाकरे में, रावलपिंडी के शहर में, और इलाके का नाम है न्यू चाकरा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और मेरे जितने भी ओवरसीज़ कस्टमर हैं, एक हमारे सऊदी अरब में भाई रहते हैं अजीम भाई, उनका जो मैंने अभी DPC वगैरह स्टार्ट हो गई है, ठीक है, इसकी भी मैं प्रॉपर एक वीडियो बना के अजीम भाई को तो मैंने छोटी सी सेंड कर दी है, लेकिन आप लोगों को भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि जो मैंने इंस्टॉलमेंट की बात की थी 50% एडवांस लेके और जो मंथली इंस्टॉलमेंट में हम घर बना के दे रहे हैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएँगे। तो सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं इसकी गली देख लें। तकरीबन 25 से 27 फुट की इसकी गली है। उस साइड से दिखाएं एरिया, उसके बाद ये चार मरले का पूरा घर है। फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं आप, इसका मुकम्मल चार मरले है, डब्बा ना चकोर। ये इसका पानी का बोर हुआ है, ये अगर आपको दिखाएं तो ये इसका पानी का बोर हुआ है, ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, ये इसका गेट लगा हुआ है। अंदर आ जाए। अच्छा, इसके साथ ही जैसे ही आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे ये रही इसकी कारपोश, ये इसकी कारपोश है। छोटी गाड़ी भी खड़ी हो जाती है यहाँ पे, बड़ी गाड़ी भी खड़ी हो जाती है इजीली। उसके साथ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये इसका लॉन्ड्री का एरिया बड़ा बेहतरीन सा बनाया हुआ है हमने। डोर क्लोज कर दूँ ताकि आपको सही नज़र आ सके। ये इसका लॉन्ड्री का एरिया है, ठीक है। ऊपर अगर आपको सीलिंग वगैरह दिखाएं, इसकी सारी नई किस्म की सीलिंग हुई हुई है। इस तरफ चलते हैं, आपको इसकी बैठक दिखाते हैं। डोर चेक करें, वुडन डोर लगा हुआ है। अंदर आए, दीवार देखें इसकी आप, बेहतरीन। वॉशरूम चेक करें आप इसका, ऊपर से नीचे तक टोटली हर चीज़ दिखाएं वॉशरूम की। टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं इसके अंदर, सीटें वगैरह सब लगी हुई हैं। वुडन डोर के साथ हैं ये भी, ऊपर सामान सारा इंस्टॉल हुआ है। अच्छा, इस तरफ इसकी बैठक की तरफ अब आ जाएं। ये देखें अलमारी वगैरह पूरी बनी है इसकी बैठक की। ऊपर इसकी चेक करें सीलिंग, पंखे लगे हुए हैं इसके अंदर, बेहतरीन नया सेट इंस्टॉल हुआ है। नीचे अगर आप देखें तो मार्बल वगैरह भी इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, ठीक है। बैठक का एरिया हमने इसलिए ओपन रखा हुआ है, ये साथ ही इसके टीवी लाउंज अटैच किया हुआ है हमने, ठीक है। ये इसकी वुडन शीट्स की ड्रॉज बनी हुई है, कबर्ड से पूरी मुकम्मल तसल्ली से आपको दिखा रहे हैं। बहुत नफासत से काम हुआ है, बहुत प्यारा काम हुआ है, खूबसूरत। अच्छा, टीवी लॉन्च के बाद आप इस तरफ अगर आते हैं तो ये उसी तरह इसका ओपन किचन बनाया हुआ है हमने, ठीक है। मार्बल की शीट लगी हुई है, अलमारियाँ सारी इसकी बनी हुई हैं किचन की। ये इसकी वेंटिलेशन की जगह, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए इसकी अलमारी वगैरह, इसकी खिड़की। दो इसके अंदर बेडरूम बने हुए हैं, ये इसका फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम इसका ठीक ठाक देखें आप, माशाल्लाह सही बेडरूम बना हुआ है, एक ना बड़े साइज़ का ज़्यादा ना छोटे साइज़ का, दरमियाने साइज़ का बेडरूम बना हुआ है इसका। इजीली बेड वगैरह सोफ़ा वगैरह इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ऊपर सीलिंग अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, इसके अंदर भी सीलिंग हुई हुई है, सबके अंदर नए नए डिज़ाइन की सीलिंग की हुई है, ठीक है। इसकी तरफ आके अगर कैमरामैन आपको अलमारी दिखाए, अलमारी देखें आप, बेहतरीन अलमारी बनी हुई है। और ये भी बिल्कुल वुडन शीट्स के साथ बनी हुई है, हल्का काम, ना कभी सीखा है और ना कभी किसी ने सिखाया है। दरवाजे दोबारा बताता चलूँ, वुडन शीट के भी दरवाजे बने हुए हैं। अच्छा, वो कैमरामैन ऊपर दिखाए, नेव देखें, नीम छती जिसको कहते हैं अक्सर जुबान में मड़नी भी कहा जाता है। ये इसका लॉन्ड्री का एरिया,
ये इसका लॉन्ड्री का एरिया, मेरा कैमरा मैन नीचे से दिखाए ऊपर तक। साथ ही इसके वॉशरूम में वॉशरूम दिखाएं, ये भी टाइल्स के साथ इंस्टॉल्ड है, एसेसरीज के साथ इंस्टॉल्ड है, हर चीज़ इसके अंदर लगी हुई है, रेडी टू लिव वाला घर है इसके अंदर। पानी बिजली गैस की पोजीशन सारी मैं वीडियो के साथ साथ बताता रहूँगा आपको। पानी का बोर तो मैंने बता दिया इसके अंदर, माशाल्लाह पानी का बोर बेहतरीन हुआ है, खुला पानी आता है इसके अंदर, ठीक है। रोड से तकरीबन मैं आपको बता दूं, मेन रोड से दूसरी तीसरी गली वैसे कह सकते हैं इसको, है तो ये दूसरी गली है, लेकिन थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा, तकरीबन एक आधा मिनट लग जाएगा रोड पे जाने के लिए। लेकिन गलियां इतनी बड़ी हैं कि ट्रैक्टर, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, हर किस्म की गाड़ी यहाँ पर आ सकती है। ये है इसका सेकेंड बेडरूम। अगर सेकेंड बेडरूम की बात की जाए तो सेकेंड बेडरूम के अंदर भी मार्बल इंस्टॉल्ड है, वुडन शीट के डोर लगे हुए हैं, दीवारें आप देख सकते हैं, ये वॉलपेपर नहीं है, ये दीवार है पूरी, और इसके ऊपर ये सारा काम हुआ हुआ है, बेहतरीन कशीदाकारी का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। फिर उसी के साथ इसकी भी अलमारियां हमने बनाई हुई हैं, खूबसूरत सी बेहतरीन वुडन शीट। ये जो बंदा इधर होके देखेगा ना, इधर खड़ा होके, उसको समझ आएगी कि ये शीट की क्या अहमियत है। हल्की शीट वाला काम किया हुआ नहीं है, बेहतरीन शीट लगाई हुई हमने। देखें पाइप वगैरह पहले से इंस्टॉल्ड किए हुए हैं हमने, जो होते हैं ना पर्दे वगैरह लगाने के लिए, हमने पहले से इंस्टॉल्ड किए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर ऊपर देख लें सीलिंग वगैरह, पंखे पहले से लगाए हुए हैं, वेंटिलेशन के लिए हमने इस कमरे में भी जगह रखी हुई है पूरी। लॉन्ड्री पीछे से दिखा दी थी आपको कि ईजीली वहाँ पर इतनी जगह है कि गीज़र भी आ जाता है, और उसके अलावा कपड़े धोने की मशीन वगैरह, ईजीली कपड़े धो सकते हैं आप। फिर साथ ही इसके साथ भी अटैच वाशरूम है, अटैच वाशरूम अगर दिखाएं, इसके अंदर भी सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। अच्छा, इसके बाद ऊपर अगर नीम छती आपको दिखाई जाए, इस कमरे में भी नीम छती जिसे मड़न्नी कहते हैं बनाई हुई है, खुला एरिया इसके ऊपर। तो अब आप आएं, आपको इसके छत का मुआयना करवाते हैं सारा। आ जाए जी, आपको छत दिखाते हैं इसकी। ये जी टोटल इसका वाया 4 मरले, पूरा चकोर प्लाट है, ये चकोर मकान बनाया हुआ। मेरा कैमरा मैन यहाँ से व्यू दिखाएगा पूरा आपको छत का। पानी की टैंकी भी लगी हुई है इसके ऊपर, बाहर से अगर गली का व्यू कराया जाए तो। अच्छा, इस एरिया का मैंने आपको नाम बताया कि ये है जी न्यू चाकरा, ठीक है। न्यू चाकरा और ममदी स्ट्रीट इसको कहते हैं। पेट्रोल पंप के सामने ही गली नीचे आती है, नीचे आके थोड़ा सा अंदर आना है आपने, और साथ ही राइट साइड पे ये गली एंटर होनी है। वैसे कहा जाए तो रोड से दूसरी गली है ये, लेकिन ये है कि मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि 1 से 1.5 मिनट लग जाता है बाइक पर, ठीक हो गया। गैस इसकी पिछली मेन गली में मौजूद है, इस गली में अभी मंजूरी हुई हुई है, लैंड डलनी है। वो तो जब कनेक्शन ऑन होंगे तो आपको पता है कि फिर लैंड डल जानी है, और इसकी एप्लीकेशनें भी जानी है और कनेक्शन लग जाने हैं। पानी का मैंने बता दिया, पानी का इसके अंदर बोर हुआ हुआ है, खुला पानी आता है, बेहतरीन पानी, जिसने भी लेना लेने से पहले चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर गैस का भी मैंने आपको बता दिया, बिजली का इसके अंदर मीटर लगा हुआ है, पहले से इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। 4 मरले प्रॉपर है, प्रॉपर डब्बा है, किसी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जहाँ तक इसकी डिमांड की बात है, इसकी डिमांड अगर मैं आपके साथ करता चलूँ तो इसकी डिमांड है जी 75, ठीक है। 75 इसकी डिमांड है, थोड़ी बहुत कमी पेशी की गुंजाइश है इसके अंदर। साइट नया बना हुआ है, गली बड़ी है, यहाँ पे ज़मीनों के रेट भी तेज़ हैं, उस लिहाज से अगर मैंने ये चीज़ नोट की है देखा जाए, क्योंकि हमारा तो डेली का काम है, अगर देखा जाए तो उस लिहाज से इस घर की डिमांड जो है ओनर ने बहुत मुनासिब की है,
डिमांड 75 की है, और उसमें से भी वो कह रहा है कि थोड़ा बहुत मैं कमी पेशी इसमें करने के लिए तैयार हूँ, आपकी खातर थोड़ा बहुत कर दूंगा। तो वो कह रहे हैं भाई जो भी इस वीडियो के तवस्सुत से आएगा देख के, तो इंशाल्लाह उसको थोड़ी बहुत कमी पेशी की गुंजाइश है। आप लोग प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जितने भी मुझे कॉल्स आती हैं बाहर से आती हैं, और जो भी मेरे कस्टमर हैं, जितने भी हैं जो ये वीडियो देख के आए हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले। दूसरे नंबर पे मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को जितना मर्ज़ी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि इसके मुस्तहिक तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। नंबर वगैरह मेरा जो है वीडियो के अंदर मेंशन होता रहता है, ठीक है। दिन ब दिन नई से नई वीडियोस आती रहेंगी, पीछे कुछ गैप आ गया था, काम में मसरूफ़ थे, इंशाल्लाह अब दिन ब दिन नई वीडियोस आती रहेंगी, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। इसके साथ ही अपने दोस्त बिलाल खालिद को इजाज़त दीजिएगा, अस्सलामुअलैकुम।